एक दिन बचा है तो 24 घंटे आपके पास धमाके मचा दो, ये कर दो वो कर दो, जो करना है आपको करो, क्योंकि एक दिन बाद रिजल्ट निकाला जाएगा। और जो भाई कैपेबल होगा उसको आईफोन 15 प्रो मैक्स उसके घर तक जाके, मैं खुद डिलीवरी बॉय उसके घर तक जाके, बस थोड़ा सा कष्ट होगा, वीडियो बनाऊंगा क्योंकि आपने जीता है। तो ये मेरा एड्रेस है, ये वाला गेट मेरे माता पिताजी और किसी को नहीं, सिर्फ मेरा चेहरा देख लो। अब इस पर मैं क्या जवाब दूँ, इस पर क्या जवाब दूँ बताओ, क्या बोलूँ इस पर? वक्त वक्त की बात है, यही बोलूँगा ना, ठीक है आज बड़े बन गए आप, मेरे में तो जीरो है, मैं तो जीरो हूँ, लेकिन आप में भी कोई गुण नहीं है, ये भी सच है, वक्त वक्त की बात है और जनता का प्यार है। हर हर महादेव, तो मंदिर का काम चल रहा है, मजा आ गया, ऊपर बड़ी लाइट लगी, और मेरी जान वहाँ ध्यान लगेगा, ओहो अंदर बड़ी शिवलिंग और अंदर हमारे बजरंग बली, मजा आ जाएगा। तो कमेंट में लिख दो हर हर महादेव। हर हर महादेव दोस्तों, तो वीडियो लगा रहा हूँ क्योंकि एक दिन बचा है, तो 24 घंटे आपके पास धमाके मचा दो, ये कर दो वो कर दो, जो करना है आपको करो, क्योंकि एक दिन बाद रिजल्ट निकाला जाएगा। और जो भाई कैपेबल होगा उसको आईफोन 15 प्रो मैक्स उसके घर तक जाके, मैं खुद डिलीवरी बॉय उसके घर तक जाके, बस थोड़ा सा कष्ट होगा, वीडियो बनाऊंगा क्योंकि आपने जीता है, तो आपको भी प्राउड होना चाहिए कि भाई हमने जीता है, ठीक है ना। तो अब डल रही है यहाँ पे वीडियो, और कई भाई कह रहे हैं कि आपने इतना बड़ा गिव अवे करा अच्छा लगा, भाई मैंने कुछ नहीं किया, ना मैं कर सकता, मेरी तो औकात नहीं है, ना मेरी हैसियत करने कराने वाले हुआ महादेव। भैया देखो यार डिस्कशन चल रहा है, क्या कह रहे हो जी, क्या बात है, देखो रजाई लेके छोड़ लिए, बोले वो कर रहा कंबली ले आया, इतनी ठंड लग रही है इसको। मंदिर का काम कब दिखाएंगे फाइनल? हम इस महीने के एंड तक जो है ना प्लास्टर हो जाएगा कंप्लीट। क्या बात है, और उसके बाद मेरे ख्याल में एक महीना और लगेगा। क्या बात है, और ये देखो उस्ताद जी ने पंघाल व्लॉग्स की वो पहन रखी है, पंघाल व्लॉग्स, और ये जो टी शर्ट एक भाई ने दी थी हमें जब हम इंडिया टूर पे थे, जब बाइक से इंडिया टूर किया था ना, तो उस पर मिली थी पंघाल व्लॉग्स, तो मैं इसको लगा लेता हूँ और जल्दी से वीडियो आपके सामने आएगी। मैं उस्ताद जी क्या करूँ, उस्ताद जी बंदर भगा रहे थे, पपीते तोड़ देंगे। चलो कोई नहीं, उनकी उनकी किस्मत में, खाते नहीं है ना, चक्कर चक्कर ही है, तोड़ के नीचे फेंक देंगे। हाय कहाँ पे है, अरे वो रत तकड़ा था, गुस्सा कर रहा है वहां से, कराऊं क्या, तो तोड़ के खा ले तो कोई दिक्कत नहीं, खाते भी नहीं है सारे, देखो सारे तोड़ दिए, कितने सारे थे उसमें, ये तोड़ दिए, इसमें भी बहुत थे, इधर तोड़ते ज्यादा खाते कम है। अब इस पे मैं क्या जवाब दूँ, इस पे क्या जवाब दूँ बताओ, क्या बोलूँ इस पे? वक्त वक्त की बात है, यही बोलूँगा ना, ठीक है आज बड़े बन गए आप, मेरे में तो जीरो है, मैं तो जीरो हूँ, लेकिन आप में भी कोई गुण नहीं है, ये भी सच है, वक्त वक्त की बात है और जनता का प्यार है, ठीक है ना। चलो छोड़ो हर हर महादेव, छोड़ो खा जाओ बात को। आ, आ, तो बाबा जी गेट पे आए, आई पूछते बाबा जी से, राम 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 राम, क्या हाल है? वो ठीक है जी साहब, और बढ़िया है, ठीक हो आप? कौन से भगवान को मानते हो आप? हम तो सभी को मानते हैं जी, भगवान बालाजी को ज्यादा मानते हैं। अच्छा, कितने कितने देवी देवता वैसे हमारे? हमारे 33 करोड़ देवी देवता है। 33 करोड़ देवी देवता है मेरे देश में, और फिर भी सबसे ज्यादा गरीबी है मेरे देश में, इस पे कुछ कहना है? हाँ जी, नहीं इस पे कुछ कहना है, 33 करोड़ देवी देवता है, फिर भी इतनी गरीबी है। गरीबी तो आई है भगवान की, नहीं भगवान की क्यों दी है, इंसान की है, भगवान तो आई है जी, फिर लगाते हैं जी। अच्छा, और सिर्फ देवी देवता को मानते हो और किसी धर्म को भी मानते हो? हाँ धर्म को मानते हैं, अपना हिंदू धर्म है, सनातन धर्म, हिंदू सनातन, मुस्लिम धर्म को नहीं मानते, नहीं मानते साहब। और किसी तो गुरु, इनको क्या नाम है, गुरु नानक जी को? गुरु नानक जी को तो अपने जैसे, ये तो सरदार जी के मानते हो? हाँ, वो तो सिख समाज में होते। और उनको जीजस को? उनको नहीं मानते साहब। क्यों? धर्म अपना हिंदू है। नहीं धर्म तो अपना हिंदू, मेरी जान मैं को मना कर रहा हूँ, मैं भी हिंदू ही हूँ, लेकिन मैं एक बात पूछ रहा हूँ, अंदर बैठ जाते अपने, और क्या। आजा 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 आजा। तो भाई आ चुके अंदर, अब बात कर रहे थे, मैं आप सब के साथ भी डिस्कस कर लें, तो आप सब मेरे भाई बैठे हमारे, तो भूत प्रेत चुड़ैल जिन और जो भी नाम होते हैं एक्स वाई जेड, उन पे आपका क्या विचार है, कमेंट करके बताना, भाई से पूछते हैं आपका क्या विचार है। देखो साहब ये ऐसी बात है को जैसे अपने ऊपर गुजरती है, जैसे देखो कहीं में किसी को अनहोनी होती है,
तो कोई मानते भी इस लोग इनको इन चीजों को और कोई नहीं भी मानते इनको। और जैसे कोई कोई जाते हैं वैसे बाबा साधुओं के पास भी जाते हैं कि ये हो गया वो हो गया फलाना, जैसे हर जो बात बताते भी है वैसे, तो उनको भाई कोई अंधविश्वास भी देख करता है, कोई विश्वास भी करता है इन चीजों के ऊपर। आप करते हो? हम तो नहीं करते साहब, हमने तो ना कभी तक आज तक कभी ना चुड़ैल देखी ना कभी भूत देखे हमने। ठीक है, तो शाने सबके सुने तो होंगे, करते हैं जो? हाँ शाने सबके सुनेंगे, गाल भी देते हैं। सुने सुने भी है। तो आपने देखा नहीं कभी? मैंने तो नहीं देखा साहब। तो भाई ने अभी कहा कुछ लोग होते हैं पाखंडी या जो भी, ऐसे कहते हैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा मरवा दूंगा। तो सुनो 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 मेरी बात सुनो, तो ये मेरा एड्रेस है, ये वाला गेट मेरे माता पिताजी और किसी को नहीं, सिर्फ मेरा, सिर्फ मेरा चेहरा देख लो, मेरा कोई बाल पड़वा लेना ऐसे ऐसे एक बाल, क्योंकि जहां मुझे जाना है ना, हाँ जी, लास्ट में जहां मेरे को ये घुमा घुमा के ऐसे आग लगाएंगे वो वहीं बैठा है और सब कुछ उसके पैरों के नीचे है, उसने भी हिम्मत नहीं कि पैरों से निकल जाए, ऐसे पैरों के नीचे दबा हुआ सब कुछ। दयाल सबसे बड़ा है, काल की कोई औकात नहीं, और उस काल को बनाने वाला भी वो दयाल ही है। तो बात ही खत्म। तो दोस्तों अब जिम जा रहे हैं उस्ताद जी और मैं, तो चल पड़े हैं। तो दोस्तों एक बार मंदिर देखने आए, उस्ताद जी तो सुबह रोज आ जाते हैं, हर हर महादेव। क्या बात है, क्या बात है, सही है सही है। खाना चल रहा है? खाना खाना अच्छा, चाय अच्छा, हुक्का। ये हरियाणा में हुक्का बहुत चलता है, ये जान ताकत आती इससे, ताकत आती है हुक्के से। तो भाई हर हर महादेव, तो मंदिर का काम चल रहा है, मजा आ गया, ऊपर बड़ी लाइट लगी और मेरी जान, वहाँ ध्यान लगेगा, ओहो अंदर बड़ी शिवलिंग और अंदर हमारे बजरंग बली, मजा आ जाएगा। तो कमेंट में लिख दो हर हर महादेव। तो दोस्तों जिम में आके वर्कआउट स्टार्ट कर दिया है, तो वीडियो में भूल गया था, उस्ताद जी और मैं दोनों जिम में आ चुके हैं, तो मेरा वर्कआउट स्टार्ट हो चुका है, दो वर्कआउट हो भी चुके हैं, ठीक है ना। मैं इसमें भजन लगा लेता हूँ मस्त, और महादेव वजन संसम की एक्सरसाइज मारता हूँ, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा बॉडी में। 16-17 दिन के हिसाब से बहुत अच्छा रिजल्ट आ भी रहा है बॉडी में, तो 90 डेज का बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, भागदौड़ भी बहुत चल रही है। तो नए नए गिव अवे आ रहे हैं आप सबके प्यार से, करने कराने वाले तो परमात्मा अल्लाह वाहेगुरु गॉड खुदा रब, जिस भी नाम से आप उन्हें बुलाते हो, ठीक है, जिस नाम से आप यकीन करते हो उसमें ही शक्ति है। आपके कर्म अच्छे हो जी, बस सिंपल सा फंडा है, आपस में लड़ रहे हैं ये बड़ा वो बड़ा, अरे क्या चल रहा है भाई, ये प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं इस दुनिया, ठीक है ना। तो वर्कआउट कर लेते, मैं भी ना भावनाओं में बह जाता हूँ, क्या करूँ, वो अंदर से ऐसा आता है एकदम से निकल के। तो दोस्तों जिम सेल कर दिया है, अपने भाई हैं अभी आने वाले हैं, अभी दिखाता हूँ आपको, तो उनको कर दिया है, और जो फ़ोन आया है ना अभी 15 प्रो मैक्स, वो उसी पैसे में से लेके आया हूँ मैं। और बहुत मेहनत होती है, सुबह शाम भी बतानी जरूरत है, आपको सब पता ही है क्यों, लेकिन जिम बहुत प्यार से खोला था मैंने, सिर्फ और सिर्फ इसको सेल करने का ये रीज़न था कि देखो मेरे पास तो टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे को बहुत भाग दौड़ है और भी काम धंधे संभालने हैं, इधर उधर ये वो, और मैं यहाँ ध्यान दे नहीं सकता। तो जो भाई को छोड़ा हुआ था उस पर पूरा यकीन करके वो फिर कह रहा फोन करके कि भाई ऐसे ऐसे जो भी है उनके भी कुछ रीज़न होंगे लाइफ में, तो भाई मैं नहीं आ सकता। मैं कहा भाई अब तो फिर ये सेल ही करना पड़ेगा क्यों, तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त जिम है और बहुत अच्छे पैसे लगा के मैंने खोला था। तो कोई नहीं, लाइफ में कभी लॉस नहीं होता, लाइफ में एक लेसन होता है, लॉस कभी नहीं होता लाइफ में, सिर्फ और सिर्फ लेसन होता है। लेकिन जिम देखो, मतलब यहाँ पे हल्क, यहाँ जय श्री राम, यहाँ तगड़े हम, वहाँ हम नए रिजल्ट बोलेगा पंगाल फिटनेस, मतलब खुद देखो कितना स्पेस है, कितना ज़बरदस्त है। सच बताना कमेंट में आपको कैसा लगा जिम, मैं पूरा यहाँ से दिखाता हूँ, खड़े हो गए यहाँ से, यहाँ से बताना, डंबल देखो 40-45 मतलब फुल, यहाँ से देखो कैसा है जिम, मतलब जो एक्सरसाइज करता था ना, एक पॉजिटिव वाइब है, पॉजिटिव वाइब। तो आ गए विरो, तो जैसे भी मैं बात कर रहा था, तो ये हमारे प्यारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, तो इन्हीं के पास ये जिम जा रहा है, और ये दिल बहुत, मतलब ये लगा लो जिम कम है और दिल है मेरा, ये बहुत प्यार से ना, हाँ हंसी रखेंगे अपने, बिल्कुल बिल्कुल भाई के पास जा रहा है, और बहुत ये मतलब मैं बता नहीं सकता कि इस जिम को देख के ही भाई को पता लग गया किस हिसाब से था।
तो दोस्तों चाय लेने चला गया था घर पे। अच्छी ठंड है। तो दोस्तों आज रात से और कल रात का एक दिन बचा आपके पास, तो किसी भाई के दिल में मलाल ना रह जाए कि मैंने मैसेज नहीं किया अंकल आंटी बुआ फूफा आपकी गर्लफ्रेंड आपके चाहने वाली आपकी पड़ोसन आपके सामने वाली आपके यार दोस्त कोई भी, सबको कहता देखो किसी का भी लग हो सकता है, मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ। पूरी रिकॉर्डिंग के साथ ठीक है गिव अवे होगा, लेकिन सबसे पहले उसमें फॉलो देखा जाएगा किस किसी ने फॉलो कर रखा है, जो बात है सच है, देखो खुला कहना और साफ रहना सीधा सा है ठीक है। सबसे पहले फॉलो देखा जाएगा, उसके बाद कमेंट देखा जाएगा, 0 लाइक होना चाहिए वीडियो को, ज़्यादा शेयर कर दो। एक दिन है आपके पास और रिजल्ट आएगा पंघाल फिटनेस फेसबुक पे, फेसबुक पे जो पेज है पंघाल फिटनेस उस पे रिजल्ट आएगा, क्योंकि पूरी वीडियो होगी, फ़ोन खरीदा कौन सी स्टेट का बच्चा था उसका प्रूफ व्रूफ सारी चीज़ उसका पड़ोसी, और खुली छूट दे दूंगा भाई इसके घर आओ, मतलब घर तंग मत करना, मतलब उनसे इजाज़त लेके आप पूछ सकते हो भाई आपको फ़ोन मिला है, वो जो कुछ होगा बिल्कुल प्रूफ के साथ होगा। तो एक दिन है लाड लो लग जाओ।